लेट्स वी स्टार्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन। ध्यान से सारी बातें समझेंगे और नोट्स आप बनाएंगे। सिंपल हार्मोनिक मोशन में सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट इज पीरियोडिक मोशन। तो हेडिंग डालें पीरियोडिक मोशन और ध्यान से समझेंगे। देखो, जब कोई ऑब्जेक्ट अपने पाथ पर आफ्टर ए डेफिनेट टाइम इंटरवल दोबारा से मोशन करती है, यानी व्हेन ए ऑब्जेक्ट रिट्रेस इट्स पाथ ऑफ मोशन आफ्टर ए डेफिनेट टाइम इंटरवल, देन इट्स मोशन नोन एज पीरियडिक मोशन। पीरियडिक मोशन के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे पृथ्वी सूरज के आसपास एक चक्कर कंप्लीट करती है पूरा एक वर्ष में, तो उसका जो टाइम पीरियड होगा दैट इज वन ईयर, और उसका मोशन होगा दैट इज पीरियडिक मोशन। सिमिलरली अर्थ अपने एक्सेस पर रोटेट करती है 24 घंटे में, तो उसका टाइम पीरियड होगा 24 आवर्स और उसका मोशन होगा पीरियडिक मोशन। इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल्स पीरियडिक मोशन के हो सकते हैं। अगर एक व्यक्ति नदी तैरता है और इस किनारे से अगले किनारे पर जाता है फिर लौट के वापस आता है, ऐसा बार बार करता है, तो वो भी पीरियडिक मोशन हो जाएगा। पीरियडिक मोशन दो तरह का होता है। फर्स्ट, पहला ऐसा पीरियडिक मोशन जो क्लोज पाथ में किया जाता है, और दूसरा जो ओपन पाथ में किया जाता है। सिंपल पेंडुलम का जो पीरियडिक मोशन होता है वो ओपन पाथ में पीरियडिक मोशन का एग्जांपल है। तो सबसे पहले लिखना स्टार्ट करेंगे, व्हेन ए ऑब्जेक्ट रिट्रेस, व्हेन ए ऑब्जेक्ट रिट्रेस इट्स पाथ ऑफ मोशन, इट्स पाथ ऑफ मोशन आफ्टर ए डेफिनेट टाइम इंटरवल, आफ्टर ए डेफिनेट टाइम इंटरवल, देन इट्स मोशन नोन एज पीरियोडिक मोशन, देन इट्स मोशन नोन एज पीरियडिक मोशन। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, पीरियडिक मोशन हैव फॉलोइंग टू टाइप्स। पीरियडिक मोशन हैव फॉलोइंग टू टाइप्स। फर्स्ट, पीरियडिक मोशन इन ओपन पाथ। सेकेंड, पीरियडिक मोशन इन क्लोज पाथ। पहला हो गया पीरियडिक मोशन इन ओपन पाथ, दूसरा पीरियडिक मोशन इन क्लोज पाथ। नोट करके लिखें, द डेफिनेट टाइम इंटरवल, the definite time interval after which the object under periodic motion, the object under periodic motion retrace known as time period ऑफ पीरियडिक मोशन। यानी वह समय जिसके पश्चात ऑब्जेक्ट अपना पाथ फिर से रिट्रेस करता है, उस टाइम ड्यूरेशन को हम टाइम पीरियड बोलते हैं। अब दो टाइप मैंने आपको बताए पीरियडिक मोशन के, ओपन पाथ क्लोज पाथ। तो लिखेंगे अपन,
हैडिंग डालेंगे क्लोज पाथ पीरियडिक मोशन। इसमें लिखेंगे व्हेन ए ऑब्जेक्ट मूव ऑन ए क्लोज पाथ, व्हेन ए ऑब्जेक्ट मूव ऑन ए क्लोज पाथ ड्यूरिंग पीरियोडिक मोशन, ड्यूरिंग पीरियोडिक मोशन देन मोशन नोन एज क्लोज पाथ पीरियोडिक मोशन, मोशन नोन एज क्लोज पाथ पीरियोडिक मोशन। एग्जाम्पल हो जाएगा मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन सेकेंड मोशन ऑफ अर्थ अराउंड इट्स ऑन एक्सेस, अराउंड इट्स ऑन एक्सेस। तो ये होगा क्लोज पाथ पीरियडिक मोशन, और क्लोज पाथ पीरियडिक मोशन के एक पूरे कंप्लीट साइकिल को हम एक रिवॉल्यूशन बोलते हैं। तो लिखेंगे वन कंप्लीट साइकिल ऑफ सच पीरियडिक मोशन, वन कंप्लीट साइकिल ऑफ सच पीरियडिक मोशन नोन एज वन रिवॉल्यूशन, नोन एज वन रिवॉल्यूशन, वन कंप्लीट साइकिल ऑफ सच पीरियडिक मोशन नोन एज वन रिवॉल्यूशन। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे ओपन पाथ पीरियडिक मोशन। इसमें डेफिनेशन इसकी लिखेंगे व्हेन ए ऑब्जेक्ट परफॉर्म पीरियडिक मोशन, व्हेन ए ऑब्जेक्ट परफॉर्म पीरियोडिक मोशन इन ए ओपन पाथ, इट्स मोशन नोन एज, इट्स मोशन नोन एज ओपन पाथ पीरियोडिक मोशन, इट्स मोशन नोन एज ओपन पाथ पीरियोडिक मोशन। एग्जाम्पल हो जाएगा सिंपल पेंडुलम एक सर्कुलर आर्क में ऑसिलेट होता है तो इट इज द ओपन पाथ पीरियडिक मोशन, या एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम ओपन पाथ में ऑसिलेट होता है तो ये दोनों एग्जाम्पल हो जाएंगे ओपन पाथ पीरियडिक मोशन। इसके एक कंप्लीट साइकिल को हम एक रिवॉल्यूशन नहीं दे, इसको बोलेंगे एक कंप्लीट ऑसिलेशन कहते हैं। ये डायग्राम बना लीजिए और नीचे लिखना स्टार्ट करेंगे वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन, वन कंप्लीट साइकिल, वन कंप्लीट साइकिल ऑफ
of such periodic motion, one complete cycle of such periodic motion known as one oscillation, known as one oscillation. And such type periodic motions, one complete cycle is known as one oscillation, and such type of periodic motion known as oscillatory motion or harmonic motion. Oscillatory motion or harmonic motion. सिंपल हार्मोनिक इन इस तरह के हार्मोनिक मोशंस में से एक टाइप है, सबसे सिंपल. अब नेक्स्ट इसके बाद हेडिंग डालेंगे, ये हुआ टाइप्स. कितने टाइप के पीरियडिक मोशन होते हैं? ओपन पाथ, क्लोज पाथ, ऑसिलेटरी मोशन किसे कहते हैं, और हर एक ऑसिलेटरी मोशन को हम हार्मोनिक मोशन भी कहते हैं. नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन. सिंपल हार्मोनिक मोशन, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि अगर कोई पार्टिकल ओपन पाथ में ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है या ओपन पाथ में पीरियडिक मोशन कर रहा है तो इसे हम हार्मोनिक मोशन बोलेंगे. सिंपल हार्मोनिक इसे तब बोलेंगे. अच्छा, ये ओपन पाथ इस तरह का भी हो सकता है, ओपन पाथ इस तरह से भी हो सकता है, ओपन पाथ इस तरह से भी हो सकता है. ओपन पाथ बहुत प्रकार से ले सकते हैं, लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए हमको इस तरह के ओपन पाथ की रिक्वायरमेंट है. यानी द पाथ ऑफ मोशन इज लीनियर और बहुत छोटा सर्कुलर आर्क अगर आप लेते हैं तो इसको आप एप्रोक्सीमेटली लीनियर मान सकते हैं. एप्रोक्सीमेटली लीनियर मान सकते हैं. तो पाथ ऑफ मोशन जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए, पाथ ऑफ मोशन लीनियर या एप्रोक्सीमेटली लीनियर चाहिए, ये पहली रिक्वायरमेंट है. इट इज फर्स्ट रिक्वायरमेंट. तो पहली शर्त है कि जो पीरियडिक मोशन है उसमें, जो ओपन पाथ पीरियडिक मोशन है उसमें पाथ पहली चीज लीनियर होना चाहिए या एप्रोक्सीमेटली लीनियर. अब लीनियर पाथ हुआ तो अकेला ऐसा नहीं है. अगर मैं यहां खड़ा हूं और यूं स्ट्रेट लाइन पे चल के यहां रुककर फिर आगे आ गया और फिर पीछे वापस चला गया, तो ऐसे मोशन को भी तो हम स्ट्रेट लाइन मोशन बोल सकते हैं, पीरियडिक मोशन ऑन स्ट्रेट लाइन. लेकिन ये एसएचएम नहीं होगा. एसएचएम के लिए रिक्वायरमेंट है कि जो ऑब्जेक्ट एसएचएम कर रही है उस ऑब्जेक्ट पर लगने वाला फोर्स एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो डिस्प्लेसमेंट एक्स के. एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट, लिखना नहीं है, समझना है. एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजिशन. मीन पोजिशन उसके पाथ ऑफ मोशन के ऊपर वह पॉइंट है जिस पॉइंट पर उस पर लगने वाला फोर्स जीरो होता है. मान लीजिए यह मीन पोजिशन है और इस मीन पोजिशन पर पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स एफ, बिकॉज मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट एक्स जीरो है तो फोर्स क्या होगा? जीरो. ध्यान से देखें, मान लीजिए इट इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, तो फोर्स जो है जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट एक्स होगा
उतना बड़ा फोर्स लगना चाहिए। और डायरेक्शन कैसे होना चाहिए फोर्स की, हमेशा टुवार्ड्स द मीन पोजीशन, यानी डिस्प्लेसमेंट अगर ऐसा है तो फोर्स बिल्कुल उल्टा, अगर ये आई कैप है तो ये माइनस आई कैप, हमेशा इससे अपोजिट। तो एफ इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स होना चाहिए। आप जितना मीन पोजीशन से दूर जाएंगे उतना बड़ा फोर्स आपको वापस मीन पोजीशन पर लेकर आना चाहेगा। इस तरफ जाएंगे तो फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ होगी, आप इधर को डिस्प्लेस्ड होंगे फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ को होगी, दैट इज द सिंपल सी बात है। तो ऐसा फोर्स एक्ट होना चाहिए। इस तरह के एसएचएम को हम बोलते हैं लीनियर एसएचएम, इट इज लीनियर एसएचएम। नोट नहीं करना, सिर्फ समझना है अभी बात को, इट इज लीनियर एसएचएम। स्ट्रेट लाइन पाथ है, प्योर स्ट्रेट लाइन पाथ है, इसमें कहीं भी अप्रोक्सीमेशन वाली बात नहीं आ रही है। तो जब किसी ऑब्जेक्ट पर ऐसा फोर्स एक्ट करे, अगर ऐसा फोर्स होगा तो जो एक्सीलरेशन है एफ इक्वल्स टू एम ए बोल सकते हैं हम, यह भी एम कॉन्स्टेंट है मास, तो आप बोल सकते हैं ए इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। तो इस एसएचएम को हम बोलेंगे लीनियर एसएचएम। इसमें पार्टिकल का जो पाथ होता है वो प्योर स्ट्रेट लाइन होता है और एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, वेयर एक्स, ध्यान रखना इस चीज का, एक्स इज नॉट द एक्स कोऑर्डिनेट, इट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजिशन। कई बार क्वेश्चन में ऐसा आएगा कि हो सकता है मीन पोजिशन ओरिजिन पर ना हो और कहीं हो, तो जो हम इक्वेशंस बनाएंगे एसएचएम की, या जो यहां पर एक्स है, इट इज नॉट एक्स कोऑर्डिनेट, इट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द मेन पोजीशन। मेन पोजीशन हो सकता है कि ये हमारा ओरिजिन है और मेन पोजीशन हमको यहां पर मिले एक्स बराबर थ्री पर, तो एसएचएम तो इस तरह से होगा। तो आप एक्स को हमेशा क्या मानेंगे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द मेन पोजीशन, एक बात। तो यह हुआ एसएचएम का, प्योर एसएचएम जिसको हम बोलते हैं लीनियर एसएचएम। दूसरा यह केस बनता है, ध्यान से देखेंगे, अगर कोई पार्टिकल बहुत कम लेंथ के सर्कुलर आर्क पर इस तरह से मोशन कर रहा है तो इस आर्क को हम एप्रोक्सीमेट लीनियर मान सकते हैं। मान लीजिए एम मास का पार्टिकल है और थीटा इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करके हमने छोड़ दिया, यह स्ट्रिंग है और यह पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है जहां से यह स्ट्रिंग से एम मास का पार्टिकल लटका हुआ है, आपने थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करके इसको छोड़ दिया, तो इस पर लगने वाला फोर्स होगा एम जी, वेट इसका इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, टेंशन टी ऊपर को लगेगा। पाथ ऑफ मोशन से हमेशा टेंशन टी परपेंडिकुलर रहेगा, तो कभी भी वो इस पाथ पर इसको मोशन कराने के लिए कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं देगा, क्योंकि कोई भी वेक्टर 90 डिग्री पर कोई इफेक्ट नहीं रखता है। तो mg ही यहां पर वह फोर्स है जो इस पर, इस पाथ पर इसको ले जाने के लिए इसका एक कंपोनेंट लगा सकता है। ध्यान से देखें, हम चाहें तो इसको फोर्स के थ्रू भी एनालाइज कर सकते हैं और चाहें तो टॉर्क के थ्रू भी एनालाइज कर सकते हैं। इस तरह के एसएचएम को हम एंगुलर एसएचएम बोलते हैं और एंगुलर एसएचएम को हम टॉर्क से ही एनालाइज करते हैं। इट इज द फोर्स एम जी, दो फोर्स है, ध्यान से देखिएगा, टेंशन टी, वेट एम जी। टेंशन टी की लाइन ऑफ एक्शन पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से पार हो रही है, तो ये इस पॉइंट के अबाउट इस पार्टिकल को रोटेट करा नहीं सकता,
तो इसके द्वारा प्रोड्यूस किया गया टॉर्क अबाउट द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन जीरो होगा। एमजी वेट जो है ये टॉर्क प्रोवाइड करा सकता है, इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये जाएगी और इट इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम यहां ले सकते हैं, इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर ये थीटा, इट इज थीटा, और स्ट्रिंग की लंबाई अगर एल है, लिखना नहीं है कुछ भी, सिर्फ समझना है इस बात को, तो ये हो जाएगा एल साइन थीटा। और टॉर्क जो होता है, दैट टॉर्क इज फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, दैट इज टॉर्क। तो यहां पर टॉर्क आ जाएगा, फोर्स हो गया एमजी और डिस्टेंस हो गई एल साइन थीटा। ये टॉर्क हमेशा ध्यान से देखें, अगर कोई चीज इस तरह से है और उस पर ऐसा फोर्स लग रहा है तो वो यू रोटेट कराना चाहेगा वापस इस तरफ को, यानी आपने डिस्प्लेस किया यू, इसको यहां छोड़ दिया, टॉर्क वापस इसको लेके आना चाहेगा। तो ऐसा टॉर्क जो कि ऑब्जेक्ट को वापस उसकी इनिशियल पोजीशन पर लेकर आना चाहता है वह टॉर्क कहलाता है रीस्टोरिंग टॉर्क, जो कि सिस्टम को पहले की अवस्था में रीस्टोर कराना चाहता है। तो ये जो टॉर्क लगेगा इस पर एमजी के कारण, ये वापस इस सिस्टम को ऐसे लाना चाहेगा। आप यहां डिस्प्लेस करोगे तो वो ऐसे वापस लाना चाहेगा इस तरह से, तो ये होगा रीस्टोरिंग टॉर्क। तो रीस्टोरिंग टॉर्क को आप माइनस साइन दे सकते हैं, यानी आप चाहें तो यहां पर माइनस साइन लगा दें। माइनस साइन का मतलब है कि थीटा इस तरफ तो टॉर्क इस तरफ, और अगर थीटा इस तरफ तो टॉर्क वापस, क्योंकि रोटेशन वाली अगर कोई भी क्वांटिटी है तो उसमें क्लॉकवाइज को अगर आप पॉजिटिव लेते हो तो एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेना पड़ेगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेते हो तो क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो यहां पर अच्छा थीटा इज वेरी स्मॉल, सो साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, व्हेन थीटा इज स्मॉल साइन थीटा इक्वल्स टू थीटा हम ले सकते हैं, टॉ इक्वल्स टू माइनस एमजीएल साइन थीटा, इसको थीटा ले लेंगे। ये पूरी फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट है तो टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा। पहले वाले केस में फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स था, फोर्स डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल था, यह टॉर्क एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल है। माइनस साइन यानी थीटा अगर एंटी क्लॉकवाइज तो टॉर्क क्लॉकवाइज, ये रिप्रेजेंट करता है। टॉर्क को हम बोल सकते हैं आई इंटू अल्फा, आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन, तो चाहे तो इसको लिख सकते हैं आई इंटू अल्फा प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा। आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सच पेंडुलम बॉब अबाउट गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये कांस्टेंट होगा अगर यही एक्सिस ऑफ रोटेशन रहती है तो इससे हम बोल सकते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड इट्स डायरेक्शन इज जस्ट अपोजिट टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, बिल्कुल पुराने जैसा। तो ये भी एक टाइप है एसएचएम का जिसको हम एंगुलर एसएचएम कहते हैं, इसे डिटेल से हम आगे पढ़ेंगे। तो अभी डेफिनेशन लिखना स्टार्ट करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन की। यह बात हमको समझ में आ गया होगा अच्छे से कि पाथ या तो लीनियर हो, प्योर लीनियर होगा तो लीनियर हार्मोनिक मोशन, अप्रोक्सीमेटली लीनियर होगा
एंगुलर हार्मोनिक मोशन। दो टाइप के सिंपल हार्मोनिक मोशन होते हैं। एक की कंडीशन है कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स और एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, और दूसरे की कंडीशन है टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा और अल्फा इज प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा। इट इज फोर्स, इट इज टॉर्क, एक्सेलरेशन लीनियर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो अब लिखना स्टार्ट करें डेफिनेशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन, वन ए ऑब्जेक्ट इज मूव ऑन ए स्ट्रेट लाइन पाथ, वन ए ऑब्जेक्ट इज मूव ऑन ए स्ट्रेट लाइन पाथ और ऑन ए path which is approximately straight line, which is approximately straight line in such a way, in such a way that its acceleration is, its acceleration is always proportional to the displacement of particle from the mean position, from the mean position, and direction of acceleration is, and direction of acceleration is always opposite to the displacement. Then its motion known as simple harmonic motion. Then its motion known as simple harmonic motion. For simple harmonic motion, A is required to be proportional to minus x or alpha is required to be proportional to minus theta. It is the linear acceleration, linear displacement, angular acceleration, angular displacement. Aage likhenge types of simple harmonic motion. Types of simple harmonic, देखेंगे इसमें first type linear SHM, simple harmonic motion को short form में SHM हम बोलेंगे। first linear SHM, second angular SHM, हेडिंग डालेंगे लीनियर SHM। इसमें लिखेंगे इन लीनियर SHM द पाथ ऑफ पार्टिकल, इन लीनियर SHM द पाथ ऑफ पार्टिकल इज absolute
straight line. Is absolute straight line. And F is proportional to minus X. It is the force act on particle, and it is displacement of particle from main position. दूसरा, एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स इज द लीनियर एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल. एक्स का मतलब वही रहेगा, इट इज लीनियर SHM, प्योर स्ट्रेट लाइन पाथ होता है इसका. यहां नोट करके लिखेंगे, जो मीन पोजीशन है, इस मीन पोजीशन का मतलब क्या होता है, नोट करके लिखना स्टार्ट करेंगे. द पोजीशन एट विच फोर्स एक्ट ऑन पार्टिकल इज जीरो द पोजिशन एट विच फोर्स एक्ट ऑन पार्टिकल इज जीरो. एंड इट्स एक्सीलरेशन इज ऑल्सो जीरो, नोन एज mean position, known as mean position. That is the address of mean position. बाकी अपन जब simple harmonic motion करने वाले particle की properties लिखेंगे तो और भी बहुत सारी बातें हमको समझ में आएंगी कि मेन पोजीशन एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर सिंपल हार्मोनिक मोशन करने वाला जो पार्टिकल है उस पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, ये आगे डिस्कस करेंगे. दूसरा लिखेंगे एंगुलर SHM, और एंगुलर SHM में लिखेंगे इन सच टाइप ऑफ SHM, इन सच टाइप of SHM, the path of particle is approximate straight line. And tau is proportional to minus theta, where tau is torque act on particle. It is the angular displacement of particle. Similarly,
alpha is proportional to minus theta. It is angular acceleration, angular displacement. तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन के दो टाइप हुए, पहला लीनियर SHM और दूसरा एंगुलर SHM.